मैं रिसेंटली पप्पा नहीं बना, मेरे पप्पा बने को पौने 2 साल हो गए, 1.5 साल हो गए तो एक्चुअली. बट आपने पहली बार कॉन्ग्रेचुलेशन बोला है तो दिल से आपको थैंक यू, क्योंकि बाप बनना एक बड़ी खुशनसीबी की बात होती है. और ख़ास करके इससे ज़्यादा खुशनसीबी मेरी क्या होगी कि मुझे बेटी मिली है. मुझे लगता है कि दुनिया में वो इंसान सबसे ज़्यादा खुशनसीब होता है जिसे भगवान बेटी देते हैं. तो आई एम वेरी लकी. तो क्या प्लानिंग है अभी बेटी को? बेटी को लेकर के अभी 1.5 साल की है, बहुत ज़्यादा नहीं. अभी तो उसके चाइल्डहुड को इन्जॉय करता हूँ, उसकी शरारतों को इन्जॉय करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मेरी बेटी जब भी मेरे सामने रहे हंसती रहे, खिलखिलाती रहे, पप्पा पप्पा कह के मेरे पीछे लगी रहे. मैं जब भी शूट पे जाता हूँ उसको साथ में लेकर के जाता हूँ तो मेरे कानों में एक आवाज़ हमेशा आती रहती है, पप्पा 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 पप्पा. सो आई फील वेरी लकी कि मेरे अभी मेरी बेटी मेरे साथ है. दीवाने का प्रमोशन हो रहा, मुहूर्त हो रहा, किस तरह से आप जुड़े हैं? माय बेस्ट, मैं एक्चुअली खेसारी जी मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं और उन्होंने बुलाया तो मैं ज़रूर आया. और मेरी शुभकामनाएं हैं मेरे भाई के साथ में, खेसारी जी के साथ में, कि बैक टू बैक वो हिट पे हिट, हिट पे हिट, हिट पे हिट, सुपर हिट देते रहें और टॉप स्टार हैं और मेगा स्टार बने, जुबली स्टार बने, यही शुभकामनाएं हैं भाई. क्या आप इस फिल्म में काम करने वाले हैं कि इस तरह की खबर है? नहीं, ऐसा तो कोई खबर नहीं है. और खबर जब मेरी फिल्मों का मुहूर्त होगा तो भी आप लोग आते हैं. मैं यहाँ तो कभी कभी क्या है कि इंडस्ट्री एक परिवार है और परिवार के लिए आना और जाना तो लगा ही रहता है. तो मैं भी एक परिवार में शामिल होने के लिए आ गया हूँ. मेरी 6 फिल्में जो रिलीज़ पे हैं और 2 फिल्में मेरे कल से, सॉरी, 6 फिल्में रिलीज़ पे हैं. उसमें पहली फिल्म मेरी रिलीज़ होने वाली है नेक्स्ट मंथ में, एक्शन राजा. एक्शन राजा के बाद फिर मेरी एक फिल्म रिलीज़ होने वाली है, 1 रजाई 3 लुगाई. एक्शन राजा के डायरेक्टर संजय श्रीवास्तव जी हैं, कमल किशोर जी प्रोड्यूसर हैं. फिर 1 रजाई 3 लुगाई, जैसा कि नाम से आप समझ रहे हैं कि बड़ी ज़बरदस्त कॉमेडी फिल्म है. मंजुल ठाकुर इसके डायरेक्टर हैं और एकता बहल प्रोड्यूसर हैं. फिर मेरी फिल्म रिलीज़ होगी रुद्रा. रुद्रा फिल्म एक कमाल की एक्शन फिल्म होगी. फिर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है जो कंप्लीट हो चुकी है, वो रिलीज़ होगी. मोहब्बत जिंदाबाद स्वीट सी लव स्टोरी है, वो रिलीज़ होगी. कसम पैदा करने वाले की शायद आउट एंड आउट एक्शन, ज़बरदस्त वो एक्शन ही एक अपने आप में अलग होगा. फिर लुटेरे एक बार फिर से पवन सिंह के साथ आ रहा हूँ मैं. पवन सिंह और मेरी एक साथ एक फिल्म आई थी सपेरा, वो बहुत बड़ी हिट थी. और उसके बाद से फिर से मैं और पवन जी एक साथ आ रहे हैं. सो फिल्मों की तो लाइन है. और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में जो आप रोल देखेंगे तो आप बोलेंगे कि बॉस बस मूवी देखिए. मुझे लगता है कि पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारी फिल्में बनी हैं बट इस तरीके की फिल्म अभी तक पाकिस्तान के ऊपर नहीं आई है. और फिरोज़ खान जी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इतना अच्छा कॉन्सेप्ट चुना और फिरोज़ खान जी ने सच में एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से दर्शकों के सामने पेश करने की कोशिश की है. फिल्म रिलीज़ होगी तो आई एम श्योर कि वो फिल्म एक कामयाबी का ऐसा परचम लहराएगी जो मिसाल होगी अपने आप.